नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत इस वर्ड मास्टर के सीरीज में। और आज का पहला वर्ड लैंग्वर। लैंग्वर का मतलब होता है आलस। वीरिनेस, लैक्सटी, वीरिनेस, लैक्सटी आलस कहलाता है, लैंग्वर कहलाता है। अगला वर्ड आपका है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। यूज कैसे करेंगे? वी शुड नॉट टॉलरेट लैंग्वर ड्यूरिंग अवर स्टडीज। पढ़ाई के समय थकावट को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगला वर्ड फिडल। फिडल का मतलब होता है ट्रिफल, मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। बेकार कैसे यूज करेंगे? दिस इज नॉट ए फिडल मार्कर, ये बेकार नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चर मतलब होता है डूअर गुड, अच्छे काम करने वाला, या गुड डूअर बोलते हैं। देखिए बनाया कैसे गया। बैने का मतलब गुड होता है, फैक्ट मिस टू द डू, अच्छे काम करने वाला, और अपोजिट हो जाता है इसका मैलेफैक्टर, डूअर बैड, बुरे काम करने वाला, तो ये इसका हो जाता है अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड आपका है, हाँ, यूज कैसे करेंगे? देर आर मैनी बेनिफैक्टर्स इन अवर सिटी हु आर हेल्पिंग द पुअर पीपल। इंथूज का मतलब होता है एक्साइट करना, उत्साहित कर देना, इनकरेज कर देना, प्रोत्साहित कर देना, इंथूज। दीज वर्ड्स विल इंथूज यू टू लर्न मोर वर्ड्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ये वर्ड आपको इंथूज करेंगे और वर्ड पढ़ने के लिए। अगला है एरोमैटिक। एरोमैटिक मतलब होता है फ्रेग्रेंट, खुशबूदार। एरोमैटिक अरोमा से बनाया गया, अरोमा का मतलब फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू होता है, और एरोमैटिक एडजेक्टिव हो जाता है। नाउडेज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक एरोमैटिक टी। अगला है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है सप्रेस, किसी चीज को दबा देना, हरा देना, डोमिनेट कर लेना, क्वेल करना होता है। आई शैल क्वेल माई हंगर ड्यूरिंग स्टडीज। पढ़ाई के समय मैं अपनी भूख को क्वेल करूंगा, सप्रेस करूंगा, हरा दूंगा। अगला है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है फोरबोडिंग, इल हैपनिंग, कुछ गलत होने के संकेत ओमिनस कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जैसे इन एंशियंट टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओमिनस आइडियाज लाइक एम्प्टी बकेट, क्रॉसिंग द पाथ बाई कैट, दीज वर कॉल्ड द ओमिनस आइडियाज। आप सबको अगला है इनडोमिटेबल, मतलब होता है अनकॉन्क्वरेबल, जिसको हराया ना जा सके, कांट बी डिफीटेड, जिसे पराजित ना किया जा सके। बनाया कैसे? एक वर्ड था डोमिटेबल, हु कैन बी डिफीटेड, हु कैन बी कॉन्कर्ड, एल लगा दिया गया तो अपोजिट हो जाता है हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। अगला वर्ड है लग। लग मीन्स होता है ड्रैग, पिछड़ जाना, रिमेन
बिहाइंड और उसे पीछे रह जाना लग, कह सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम आई एम लगिंग इन लर्निंग, पढ़ाई लिखाई में मैं पिछड़ रहा हूं। पर्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अगला है लेविटेट। लेविटेट का मतलब होता है फ्लूट, हवा में तैरना, या टू बिकम लाइट, बहुत हल्का बन जाना, लेविटेट करना होता है। यहां पर रूट आपकी लेवी है, लेवी मीन्स होता है लाइट, टू मेक लाइट फ्लोट, हवा में तैरना। जैसे इफ यू लर्न दीज वर्ड्स एंड व्हेन यू गेट सक्सेस यू विल लेविटेट इन द स्काई ऑफ सक्सेस। और अगला वर्ड रैंकर। रैंकर का मतलब होता है हैट्रेट, घृणा कहलाता है, एनिमोसिटी, कंटेम्प्ट, घृणा कहलाता है। और रैंकर नाउन है और इसका एडजेक्टिव बन जाता है रैंकरस। वी मस्ट नॉट कीप रैंकर फॉर अवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के लिए घृणा नहीं रखनी चाहिए। तो आइए हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दीज वर्ड्स। लैंग्वर वीरीनेस लैक्सिटी, फिडल ट्रिफल अनइम्पॉर्टेंट, मैनुफैक्टर डूअर गुड अच्छा करने वाला, इंथूज एक्साइट उत्साहित करना, एरोमेटिक फ्रेग्रेंट खुशबूदार, क्वेल सप्रेस हराना दबाना, ओमिनस फोरबोडिंग अपशगुन, इंडोमिटेबल अनकॉन्करेबल जिसको हराया ना जा सके, लग ड्रैग पिछड़ जाना, लेविटेट फ्लोट तैरना, रैंकर हैट्रेड घृणा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।